सात पीढ़ी आवे तो न छोड़े। और बेटे पार्टियों के मालिक बने हुए इस समय आप देखो तो सारे पार्टियों का उनको प्रचार की जिम्मेदारी कुमारों की, पर गली का कुत्ता भी नहीं मानता और गली में कोई भौजी भाई नहीं पूछता। और बेटे बात करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और हिम्मत नहीं कलेक्टर के चपरासी से बात करने की। बड़ा दुख है सब बातों का। हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग केवल मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप उस पर लिख लिख के और बेटों को बुलाया हो तो 500 को बुला हो तो 5 भी इकट्ठे नहीं होंगे। ये समस्या है बड़ी भारी, पर हम लोग बस केवल भाषण देने में इतिश्री कर लेते हैं। इसलिए धरातल पर कार्य करो। धरातल पर क्या कार्य करेंगे? हम संस्कारों का कार्य करेंगे, बचपन से बच्चों में संस्कार देंगे, घर में माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का आदर करो, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करो, कोई नया कार्य प्रारंभ करो माँ बाप से पूछ के करो, बड़े बुजुर्गों से पूछ के करो। ये हमारे सनातन संस्कार है। अपने से बड़े मिले उनको प्रणाम करो, गुरुजन मिले उनको पंचांग प्रणाम करो। हमको तो प्रणाम नहीं करना आता, आज भी हमारे बूढ़े आगे पकड़ेंगे। हमने कहा कि घुटना टेक के महात्माओं को प्रणाम करना चाहिए, अभी तक नहीं सीखे 4 साल में, या तो ऐसे प्रणाम करेंगे या एक नया तरीका आया प्रणाम आजकल क्या करें। अगर संस्कारवान व्यक्ति होगा तो ऐसा नहीं करेगा, पर संस्कारों की कमी है, संस्कार होने चाहिए। संस्कार बिना तो मानव और पशु में क्या अंतर है? पशु भी ये बातें करता है, बच्चों को पालता है, बड़ा करता है, खिलाता है, पिलाता है, और हम भी इतना ही करें तो हमारे में पशु में कोई अंतर नहीं है। संस्कार हो, शिक्षा बढ़िया हो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, टेक्निकल सारी शिक्षाएं दो, पर संस्कारों से युक्त दो तो वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो अपने समाज का गौरव मानेगा, माता पिता की सेवा करेगा। नहीं तो बड़ा थोड़ा पढ़ लिख जाएगा, समाज को भूल जाएगा, माता पिता भी भूल जाएगा। समाज में नशाबंदी आवे, आज हम देख रहे हैं